अब तो आप लोगों को बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि रमशा जैसी लड़की का हाथ आप लोगों ने किस जाहिल के हाथ में दे दिया। मैं शुरू से आप लोगों को मना कर रहा था कि प्लीज ये शादी ना करें ना करें, लेकिन इस घर में मेरी कोई सुनता है? बना तो खुदा जानता है, मैं मुझे नहीं पता था कि शानी ऐसा है। मैं तो दो तीन बार ही मिला था उसे। तो डैड पहले तहकीक करनी चाहिए थी ना हमें। सॉरी डैड, मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये कि आप फर्ज करें रमशा की जगह हमारे घर की कोई और लड़की होती। तो उसकी शादी कराने से पहले आप अच्छी तरह जांच पड़ताल करके फिर फैसला करते ना। सिर्फ इसलिए ये बात कह रहा हूं। अफनान, जांच पड़ताल तो गैरों में की जाती है, वो तो सारे लोग उसके अपने हैं। और वैसे भी रमशा की शादी उसकी मर्जी से हुई है। बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है पप्पू आपको। इस शादी में रमशा की मर्जी बिल्कुल भी शामिल नहीं। पूछिए अपनी बेटी से जो बात में बात उसको ब्लेम करती थी। डैड, डैड ने अब आकर कह दिया था कि वो हॉस्टल जा रही, तो बेचारी और क्या करती। जो होना था हो चुका है। तुम हम सबको क्यों ब्लेम कर रहे हो? पहले तो तुम मेरे साथ तमीज से बात करो। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ। और आप सबने खुद नहीं देखा शानी कितना बदतमीज इंसान है। खुद सोचिए कैसे गुजारा करेगी वो बेचारी वहां पर। शानी कोई गैर तो नहीं है रमशा के लिए? सारी जिंदगी रमशा उन्हीं बदतमीज लोगों में पली पड़ी है। उसी घर में रही, मेरा ख्याल से तुम्हें उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
मुझसे किस तरह बात कर रहा था। रिलैक्स, बैठो तुम। तुम अगर अपना माजी भुला चुकी हो तो इसका क्या मतलब है कि लोग भी तुम्हारा माजी भूल जाएंगे? तुम्हारी वो वीडियोस, तुम्हारी वो तस्वीरें अरे लोगों के ना सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हैं। जो घटिया वीडियोस तुमने और घटिया तस्वीरें अपलोड की है ना, वो मर्दों के ना जहनों से भी निकली नहीं है। तुम्हारी जैसी लड़कियों को ना कोई इज्जत देता नहीं। मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है कि भाईजान ने तुम्हें बेटी कैसे बना लिया। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम पर और तुम्हारी मां पर किस कदर भाईजान ने एहसानात किए हैं? और तुमने उन्हें क्या दिया? डिप्रेशन? अपने बेटे से दूरी? देखो बीबी, अगर तुम भाईजान के साथ जरा भी मुखलिस हो तो अपने कजन से शादी कर, पर इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ और फिर वापस कभी मत आना। तुम इतनी पारसा क्यों बन रही हो? हाँ, तुम माजी भूल गई हो तुम? मुझे पता था, तुम्हारी कमजोरी का मुझे अच्छी तरह पता था। हाँ, मैं हूँ कमजोर, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने। और शादी के बाद ना तुम्हें ये समझ आएगी कि मैं सिर्फ कमजोर नहीं, बहुत घटिया भी हूँ, क्योंकि मैंने एक एक बात याद रखी हुई है और गिन गिन के चुन चुन के बता लूंगा मैं। मैं इंतजाम कर दिया आप लोगों ने, इस सब की क्या जरूरत थी? मैं बता, असल में इनको ये लगता होगा कि हमें ये सब चीजें कहाँ खाने को मिलती हैं। इसलिए तो इतना सब कुछ बनवा लिया। और ये सब कुछ मैं समझ रहा हूं कि मुझे जताने के लिए किया जा रहा है, और अगर मुझे जताएंगे नहीं तो मुझे नीचे कैसे दिखाएंगे? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो सिर्फ मोहब्बत और इखलास का इजहार किया तुम्हारे लिए, लेकिन अगर तुम्हें कोई बात नागवार गुजरी हो तो माफी चाहता हूँ मैं। नहीं नहीं, असल में गलती तो मेरी है जो मैं यहाँ पे इनकी दावत पे आ गया, क्योंकि इनका मकसद तो एक ही था, मुझे जलील करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ बुलाया, और क्यों? तो शानी को धाका क्या मतलब बस कर दूं मैं? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि ये मुझे किस तरह जलील कर रहे हैं? अगर तुम्हें यहां जलील होना है ना और यहां बैठ के खाना खाने तो तुम खाओ, मैं जा रहा हूं। चलो रमशा। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि रमशा आपके घर में ठीक नहीं है।
वो कासिम साहब, मैं आपकी बात का मतलब समझ गया। आप यकीन कीजिए, जब जानी घर आया था ना, तो मैंने उसे बहुत डांटा था। उसकी मां ने भी खूब खबर ली उसकी। बस वो मेरा बेटा जो है वो जुबान का थोड़ा तेज है, पर दिल का बहुत अच्छा। दिल का हाल तो फकत अल्लाह की जात ही जानती है अनवर मियां। इंसान की जुबान से उसके इखलाक का पता चलता है। किसी भी शख्स की जुबान और इखलाक ही तो उसकी तरबियत का पता देती है। जी जी, बजा फरमाया आपने। वो कासिम साहब, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। दरअसल दुकान पे रश बहुत ज्यादा, मैं बात कर रहा हूँ। जी बेहतर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ भाई? तुम्हें इस बाइक से तंग आ गए? पेट्रोल भी पूरा है, उसके बाद भी नहीं स्टार्ट हो रही, दोस्त भी मेरा मजाक अब उड़ाते हैं इस बाइक का। तुम्हारे पास पैसों की कौन सी कमी है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपका कोई बैंक है। और अब वक्त आ गया कि आप मेरे पैसे कुछ बढ़ाएं। शादीशुदा हूं मैं, मजाक थोड़ी है। तो रो क्यों रहा है? तुम्हारे लिए नई बाइक लेना कोई मुसीबत है? बात सुनो, मनीषा से बात करो, वो कासिम साहब से कहेगी नई बाइक आ जाए। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। कासिम साहब के पास कोई पैसों की कमी है क्या? इतनी मोहब्बत जताते हैं हमारी रमशा से, तो उसके लिए क्या इतना नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूं बाइक को छोड़ो, गाड़ी की बात करो। गाड़ी की? घर में नई गाड़ी आ जाएगी, सहूलत हो जाएगी। खानदान जो है वो बढ़ रहा है, दो बाइकों से गुजारा नहीं होता। अपनी माँ का सोचो यार, घर में गाड़ी होगी, उसे अस्पताल ले जाने में आसानी होगी। बेचारे की तबीयत अब ठीक नहीं रहती ना, नहीं तो माँ के लिए सोचो। हा? समझे? लो मैं स्टार्ट करूं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो, इसे कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। चलो जाओ गाड़ी गाड़ी। ओ भाई, गो चढ़ाने के लिए कहा था, तुमने अभी तक चढ़ाया नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ वो देखो जाके, रमशा किचन में काम कर रही है। तुम्हें कहा था। क्या हो गया, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही? मैंने गोश्त चढ़ा दिया और आटा भी गूंथ ली। अब रात के खाने से पहले हम गरम गरम रोटियां बना के खा ली। उसको ना डांटे प्लीज। बेटा तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हें दिन ही कितने हुए हैं ब्याह के आए हुए। अच्छा थोड़ी लगता है कि तुमसे सारे घर के काम करवाए हम। चाची क्या हो गया है, ऐनी काम करे या मैं काम करूं, एक ही बात है ना। और वैसे भी बाद में भी तो मैंने काम करना है ना, इसलिए अभी कर लूं बेहतर नहीं। वैसे तुम्हें देख के ना बेटा बहुत हैरानी होती है। पहले तो तुम किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी, और अब हाथी के साथ ही पूरा घर संभाल लिया। शुक्र है मेरी जान छूट गई, वरना अम्मी तो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी। अच्छी बात है नैनी, तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान। तुम्हें देख के मुझे एहसास होता कि काश मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया होता तो आज किसी मकाम पर होती। लेकिन खैर, तुमने अच्छा अच्छा पढ़ना है लिखना है ताकि तुम कुछ बड़ा कर सको अपनी जिंदगी में। पक्का प्रॉमिस, बहुत तवज्जो से पढ़ूंगी। थैंक यू रमशा, तुम बहुत अच्छी हो। अगर इसकी जगह कोई और भाभी होती ना मेरी अम्मी, तो वो सारा काम मुझसे करवाती और खुद कुछ भी नहीं करती। अरे भाई ये क्या बात हुई, मेरी नई नवेली दुल्हन को आप लोगों ने काम पे लगा दिया। अरे भाई हम नहीं करवा रहे तुम्हारी दुल्हन से काम, ये तो खुद भाग भाग के पूरे घर के काम कर रही है। अच्छा मुझे आज कुछ नहीं पता, आज मैं और ब्रह्मशा जो है बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं। तुम जाके तैयार हो जाओ। वही क्या अच्छा इसमें मजाक उड़ाने वाली बात कौन सी? हाँ जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं आउटिंग भी नहीं गए, बल्कि आज जो है ना खाना भी खुद से बना लेना। अच्छा अच्छा जी 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 जी, हम खाना बाहर खा के आएंगे। ऐसे क्या देख रही हो? जाओ ना तैयार हो फिर हम चलेंगे। रे बेटा जाओ, जाके जल्दी तैयार हो जाओ कि हमारे साहबजादे का इरादा ही ना बदल जाए। जल्दी जाओ जा। आम करवा रहे हैं आप लोग उस? अरे ओ बड़े गुन्ने मीस ने, तो खुद भी तो तैयार हो जाओ। मम ये तो आपको पता है ना मेरा स्टाइल तो ऐसे ही है, मुझे क्या तैयार होने की जरूरत है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये आप उसके सामने किस बात पे हंस रहे थे? आप लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे थे उससे? अरे नहीं भाई हम मजाक नहीं उड़ा रहे थे, हम तो खुश हो रहे थे।
चलो कम से कम तुम्हें खुद से एहसास तो हुआ उसका, अच्छी बात है। अमन जो कुछ भी कह रहा है मेरी नाटी के कहने पे कह रहा है, जो उनका फैसला नहीं टाल सकता। ये बात तुम्हें मेरी नाटी ने बताई है, सलमान ने नहीं। जिस दिन से मैंने तुम्हें सलमान के साथ इतना फ्रैंक होते हुए देखा था ना, मुझे उसी दिन शक हो गया था कि तुम ही हो जो सलमान और उरूज की जिंदगी में जहर घोल दोगे। इन सब ने मुझे तफ्ता तार पर खड़ा कर रखा, आग लगी है दिल, लेकिन मौत का फरमान जारी नहीं कर, मुझे ये कुछ करना। सुनो ये वाला पहन लो, अच्छा लगेगा। अच्छा अगर नहीं पसंद तो कोई और पहन लो अपनी मर्जी से। नहीं ठीक है, अच्छा बस फिर जरा अच्छे से तैयार हो जाओ। पहली दफा जा रहे हैं ना हम बाहर, क्या हुआ आपका? खुश नहीं लग रही। मैंने कब कहा ऐसा? अरे चेहरे से तो ऐसा ही लग रहा है, वरना मैंने तो सुना है कि बीवियां बाहर जाने पे बड़ा खुश होती हैं। खुश हूँ। बहुत खुश हूँ, बल्कि थोड़े शौक भी हूँ कि वैसे तो तुमने कभी बाहर जाने का कहा नहीं। ना तुम कभी खाने पे लेके गए, ना कभी घुमाने लेके गए, तो अचानक ये मेहरबानी कैसे? तुम जानती तो हो बड़ा मूडी हूँ। और ऐसे ही बनते रहेंगे प्लान। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, ठीक है? चलते हैं, मैं भी चेंज कर लेता हूँ, जरा अच्छे से तैयार होना। महंगा रेस्टोरेंट है ना शानी, तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो? पता है कितना ज्यादा बिल बन जाएगा अभी इस खाने का। रमशा तुम बिल की क्यों टेंशन ले रही हो? मैं बिल की टेंशन ले रहा हूँ? अगर मुझे कोई टेंशन नहीं है तो तुम क्यों फिक्र कर रही हो? और वैसे भी देखो, पहली दफा तुम्हें बाहर लेके आया हूँ, अब किसी ऐसे वैसे रेस्टोरेंट थोड़ी लेके जा सकता। हाँ लेकिन इतना महंगा रेस्टोरेंट लग रहा है शानी, अगर तुम इस तरह से करोगे तुम्हारा तो बजट आउट हो जाएगा ना फिर। हाँ लेकिन तुम्हारी खुशी की खातिर ना मुझे ये मंजूर है। बस तुम मुझे इतना बताओ कि तुम खुश हो ना? तुमने मेरे लिए इतना सोचा, मैं क्यों नहीं खुश होऊंगी? थैंक यू सो मच। बस अब हमारी जिंदगी ऐसी आगे बढ़ेगी, तुम मुझे खुश रखोगी और मैं तुम्हें।
ये तो यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और इनकी वजह से सब घर वाले परेशान बैठे। अली से आप चलो, अब हम कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, दोनों से जरा मिल तो लेते हैं। नहीं नहीं अलीज़े, नहीं, क्यों मिलना है यार। अलीज़े वो अपना डिनर एंजॉय करने आए हैं, हम बिला वजह जाके उनको डिस्टर्ब करने अच्छा तो नहीं लगता। देखो मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड मत करो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ तुमसे कि तुम शानी को अच्छे तरीके से जानती हो, किस किस्म का बदतमीज और बाहयात इंसान। मैं नहीं चाहता वो तुमसे किसी किस्म की बदतमीजी करे और मेरी उसकी मुंह मारे, इसलिए कह रहा हूं बस। चलो ना, हम यहां खड़े खड़े अपना वक्त क्यों जाया करें। अच्छा एक काम करते हैं ना, हम ऊपर वाले फ्लोर पे बैठ जाते हैं। चल मामू जान, बेकार में परेशान हो रहे थे, देखा था रमशा कितनी खुश है, फोटो कितना हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। असल में इन दोनों ने ये सब इसलिए किया ताकि हमारे घर में टेंशन क्रिएट हो सके। बाय द वे, बदतमीजी रमशा ने नहीं, शानी ने की थी। जो भी है, शानी के पीछे रोते धोते तो रमशा ही भागी थी ना, और उसे जरूरत क्या थी मामू जान के सामने रोना धोना करने की। तुमने देखा नहीं वो कितना खुश थी, स्माइल कर रही थी। मैंने तो अपनी जिंदगी में उसको कभी इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वहां मामू जान टेंशन में बैठे हैं और वो यहाँ पे खुशियां मना रही है। हाँ देखा था, नहीं क्यों नहीं देखा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें शानी की बदतमीजी से ज्यादा इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि रमशा शानी के साथ खुश क्यों थी। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि रमशा अपनी वजह से हम सबको टेंशन क्यों देती है। यार ऑनेस्टली एक बात का जवाब तो दे, जब टेंशन लेने का वक्त आया था तब तो तुमने कोई टेंशन नहीं ली, अब किस बात की टेंशन ले रही है? खैर छोड़ो इस बात, हम बाहर खाना खाने के लिए आए ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो सके। अगर बाहर आके भी हमें यही बातें डिस्कस करनी है तो आने का कोई फायदा नहीं है, उनकी लाइफ है, उन्हें जीने दो। तो मैं कब मना कर रही हूँ कि वो ना जिए, उसको जो करना है वो करे, लेकिन हमारी जिंदगियों में टेंशन मत क्रिएट करे। तो चलो छोड़ दो, मैं एक काम करते हैं, खाना खत्म करते हैं उसके बाद सी साइड पर चलते हैं। कल वैसे भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, इसके बाद घर ही चलेंगे। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खाने से तो कोई लड़ाई नहीं है, खाना तो खा लो। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम भैया। शाम कौन, कैसी हो? अलैकुम अस्सलाम, मैं ठीक। सब ठीक है ना? क्या हुआ? हाँ ठीक, क्या हुआ? नहीं वो भाई के साथ गई थी ना तुम, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं कैसा सलूक किया होगा उन्होंने तुम्हारे साथ। तुम हंस क्यों रही हो रमशा? जैसे तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। हम दोनों गए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में, अच्छा सा खाना खाया और वापस आ गए तुम्हारे सामने, सब ठीक था, कुछ नहीं हुआ। सच कह रही हूँ? हाँ मैं झूठ क्यों गाऊंगी, आ बैठो। रमशा तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही है, भाई का दिल बदल गया।
अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। मैंने तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही, तुम एक काम करो ना, तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला प्लीज अल्लाह ताला अबू जी मान जाए मेरी मजीद पढ़ाई के लिए। दुआ करो। ठीक है नहीं, मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। हाँ ठीक। अब क्या तुम कोई वजीफा तो नहीं कर रही हो? हाँ कर रही हूँ। देखा, मुझे लग रहा था तुम कोई वजीफा कर रही हो। प्लीज मुझे वजीफा बता दो ना, मैं वो कर लूंगी। तुम अपने रब की सुनो, रब तुम्हारी सुनेगा। तुम्हें पता है जब बंदा अपने रब की सुनता है, उसकी इबादत करता है, उसकी इताअत करता है, तो रब भी हमारे करीब हो जाता है। ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में हमारे लिए सिर्फ आसानियां होती हैं। अल्लाह के करीब होने से ना लोगों के दिल में हमारी इज्जत और मोहब्बत मजीद बढ़ जाती है। अल्लाह हमें हमारी सोच से बढ़कर अता करता है, इसलिए नमाज पढ़ना शुरू कर दो, सब आसान हो जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। एक काम करना, फजर में उठोगी ना प्लीज मुझे भी साथ उठा देना। तुम नमाज पढ़ोगी साथ साथ मैं भी पढ़ूंगी, पाबंदी हो जाएगी नमाज की। पढ़ूंगी नमाज? पक्का पढ़ूंगी। ठीक है फिर, मैं फजर में तुम्हें उठाया करूंगी अब से। चलो ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बैठ के बातें करेंगे। ओके। रमशा से बात हुई थी मेरी। कैसी है रमशा भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काफी मुतमईन लग रही थी। मेरे भी दिल को तसल्ली हो गई उससे बात करके। चलिए अच्छी बात है। मेरी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो तुम किसी रोज अफनान को लेके तो रमशा के घर चली जाओ ना। लोग भी क्या सोचते होंगे कि शादी के बाद रमशा से कोई मिलने ही नहीं आया। जी भाईजान ठीक कह रहे हैं आप। आप तो जानते हैं कि अलीजे सारे दिन ऑफिस में होती है, ये पूरा घर मेरे ऊपर होता है। सारा दिन नौकरों के पीछे लगकर काम कराना पड़ता है, फिर इतने बिजी स्केड्यूल में से भाईजान कहाँ टाइम मिलता है। अफशीन अगर अलीजे रुखसत होकर किसी और घर चली जाती तो उससे भी तो मिलने जाती ना। जी बिल्कुल। ठीक है भाईजान, मैं चली जाऊंगी। फ्राइड चीजें ना रखा करो, बेकरी आइटम्स वगैरह। फल्लाह, भाईजान तो ऐसे रिश्तेदारियां निभा रहे हैं जैसे वो सगी है। फल्लाह कौन जाएगा इतनी पतली पतली गलियों में। भाईजान के लिए भी क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। रमशा मैं सोच रहा हूँ कि बाइक बदल लूँ, आजकल ना बहुत तंग कर रही हूँ। तो कल भी मैं दुकान पे जा रहा था, रास्ते में दो दफा बंद हो गई, तो नई बाइक खरीदूँ। हाँ लेकिन नई बाइक तो काफी महंगी नहीं आएगी शानी?
महंगी तो है, लेकिन महंगी तो हमारे लिए है ना। अगर कासिम साहब ले दें तो? हाँ, उनका जिक्र कहाँ से आ गया इस बात में? हाँ तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, इतने पैसे वाले हैं, एक बाइक खरीदने से उनको कोई मसला होगा? और वो तुम्हें क्यों पैसे देंगे बाइक के शानी? यही तो बात है, मुझे थोड़ी पैसे देंगे, पैसे तुम्हें देंगे। देखो वो तुम्हें कभी भी इनकार नहीं करेंगे, तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझते हो। तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं क्यों उनसे पैसे लूंगी? उस घर में रहते हुए मैंने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे, मैं अब मांगूंगी? सोचना भी मत। अरे भाई पहले की बात अलग थी, अब तुम शादीशुदा हो यार, शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ शानी, उनकी नहीं, वो क्यों पैसे देंगे? तुम्हें रेस्टोरेंट लेके गया, खाना खिलाया, बाहर घुमाया फिराया, और तुम इतना से नहीं कर सकती मेरे लिए? शानी मुझे लगा कि वो सब तुमने मेरी खुशी के लिए किया, तो ये सब मेरी चापलूसी के लिए कर रहे थे? सब बात सुनो, मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता। सीधी सी बात, कल तुम उनके घर जाओगी और पैसे लेके आओगी, ठीक है? तुम बिल्कुल पागल हो गए, ना मैं उनके पास जाऊंगी और ना मैं उनसे पैसे मांगूंगी, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम वो करो। जी मत। शाह मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मुझे गुस्सा चढ़ा रही हो, और तुम जानती हो कि जब मुझे गुस्सा चढ़ता है ना तो मैं कितना खतरनाक होता हूँ।